सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से थर्सडे शाम को 8 बजे आपके पास आए हैं सुबह और शाम आपके नाम लेकर। पिछले 15 दिन में हमने 8 एपिसोड शिखर जी पर दिखाए हैं, एक आवाज को उठाने की कोशिश की है जिसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। पर शुरुआत करते हैं आज की 22 अक्टूबर 2018 के इस आदेश के साथ। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 3 साल पहले घोषित किया गया था। यह इसलिए था कि जब वहां पर बार बार इस तरीके से हमारी पाबंदों को चीरहरण होता था, रौंदा जाता था, लेकिन यह पत्र मिलने के बाद तीर क्षेत्र कमेटी ने इसको एक प्रकार से फाइल में लगा लिया और समय समय पर यह सोशल मीडिया में उठकर उठ आता है। पर खरपतवार की तरह कुछ इसका उपयोग हमने नहीं कर पाए कि शासन कहता है कि हम इसको शिखर जी को पावन रखेंगे, इसको पावन रखने के लिए पूरी तरह सजग रहेंगे। पर क्या हुआ, पिछले 10 सालों से यही हो रहा है जो अब भी हो रहा है, 48 घंटे बाद फिर होगा। अगर यह इस आदेश की अहमियत समझी होती तो हमने उसके बाद ही कमेटी की कार्यवाही की होती। ना प्रशासन जगह है, ना सरकार जगह है, ना केंद्र जगह है और ना हमारी कमेटियां जगह है। अरे हमारी तो हकीकत यह है, हम जैसे शावक भी नहीं जगे इसके लिए। अगर पावनता पर कहीं रोना जाता है हमें तुरंत खड़ा होना चाहिए, सजग होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बोर्ड लगा देते हैं और सरकार ने फिर एक प्रकार से विज्ञापन तक जारी किया, जय समाज से अपील की कि हम इसको आपकी सुविधाएं पूरी तरह रखेंगे। यहां पर यह पवित्र क्षेत्र है, पावन क्षेत्र है, इसकी पावनता को बरकरार रखा जाएगा। यह जगह जगह विज्ञापन तक दिया गया। केवल यह सब हमारे लिए एकमात्र ढकोसला था। हकीकत में जाए तो जमीन पर कुछ नहीं हुआ थे। अरे सुविधाएं तो छोड़िए, जो हमारा है उसी को तोड़ दिया जाता है। यह हमारी चोपड़ा कुंड की धर्मशाला विभाग वन विभाग द्वारा अवैध गैर कानूनी तोड़ दी जाती है और यहां पर बना हमारे यह मंदिर अब तालों के बीच में पड़ा है। शावक कुछ नहीं करते, कमेटियां आपस में लड़ रही हैं, जिनका मंदिर है वो चुप है और आपस में लड़ने के बाद अरे भगवान को तालों में बंद कर रखा है। यहीं तक बात नहीं होती है, आजकल तो राजनीतिक सोटियां कैसे के लिए आपस में लड़ाने का काम एक सरकार नहीं आजकल के नेता खूब करते हैं। इसको उससे लड़ा दो और अपनी रोटियां उसको पका लो। यही हुआ यहां पर जब बाबूलाल मरांडी हमारी जगह पर 20 मंत्री कोटी के 248 नंबर प्लॉट पर इस तरीके से यहां पर एक मंदिर का शिलान्यास कर दिया। अरे उनके लिए मंदिर बनाने की घोषणा कर दी जो कभी 4 दीवारी का मंदिर आज तक बनाते ही नहीं है। यहाँ के स्थानीय समाज हमारे चंद्रभुटो के पास उनका खुले में होता है, वे साल वर्ष की पूजा करते हैं, अब प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके लिए बाकायदा जैसे हमारे में आपस में लड़ाई करने के लिए इस तरह मंदिर की एक नींव खोद दी। हमारी ही जगह पर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में मुकदमा चल रहा है। यह जगह 20 पंथी कोटी की है, दावा कर दिया वन विभाग राज्य सरकार ने, पहले लोअर कोर्ट में हारे, अपील कर दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हारे, अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और वहीं पर फिर 20 पंथी कोटी ने इस बारे में एक प्रार्थना लगा दी कि भैया इस तरीके से हमारी जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। यह अपडेट रिपोर्ट है, कुछ लोग पूछ रहे हमसे कि वहां मंदिर की स्थिति जो थी वो जस की तस है, पर यह इस बना बिल्कुल गैर कानूनी अवैध है। हमारे बने वो मंदिर को तोड़ देते हैं धर्मशाला को और वहां पर अवैध निर्माण होता है। सरकार कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करता, पुलिस कुछ नहीं करती, अभी तक यू ही के यू ही चुपचाप बैठे। राज्य सरकार की छोड़िए केंद्र की ही बात कर लेते हैं। अब मधुबन से पारसनाथ कितनी दूर है, 4.5 किलोमीटर की रेल लाइन 27 साल में नहीं बनी। क्या है, जेएमएम फंड नहीं है, यह जवाब दिया था है। लोकसभा में आवाज गुंज गई, राज्यसभा में आवाज गुंज गई, सैकड़ों पत्र लिख दिए यहाँ के स्थानीय सांसदों ने, विधायकों ने, सबने, लेकिन सरकार के हाथ में कहते कानों पर जू नहीं रखती। मात्र 4.5 किलोमीटर की रेल लाइन 27 सालों में नहीं बनती है। अरे यह छोड़ दीजिए, पारसनाथ स्टेशन दुनिया का सबसे अनोखा स्टेशन है, भारत नहीं दुनिया के अंदर शायद ही ऐसा कोई अनोखा स्टेशन बनाया हो जहां पर मुख्य जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसी को उन्होंने लूप लाइन में बदल दिया है। जब बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, बीमार आते हैं, दिव्यांग आते हैं, उन सबको कहते सबको एक तरफ रखो, हमारी सुविधाएं छोड़ दीजिए, जो मेन स्टेशन है वो लूप लाइन शंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ऐसा दुनिया में कोई स्टेशन नहीं है। यह है हमारी खूबसूरत सुविधाओं का तोहफा जो जैन समाज को सरकार द्वारा दिया जाता है। अरे पावनता की बात करते हैं, अरे उसका चीरहरण करते हैं, खुलेआम थाने के सामने इस तरह मांस बनता है, अब तो खुलेआम बनता है खुलेआम। सरकार कहती है आपके पावनता का ध्यान रखेंगे, थाना था में बताओ हम सूचित कर रहा हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुम्हारे नाक के सामने आँख के सामने बनता है और फिर जाते हैं कार्रवाई क्या करते हैं, उन्हें तुरंत भगा देते हैं, कोई दोष नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सब कुछ साफ हो जाता है। अरे यहां तो कैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये हमारी पावनता का तार तार कर देते हैं और मांसाहार आँख के सामने बनते हुए भगा देते हैं।
पावन रखेंगे हमारे तीर्थ को कहते हैं। और देखिएगा महज 48 घंटे बाद किस तरीके से जूतों से रौंदेंगे, चप्पलों से रौंदेंगे, अभक्ष्य से रौंदेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन बाइकों पर बैठकर सवार होने वाले मस्ती करने आएंगे लड़के और लड़कियां यहां पर। अरे जो अभ्रमचर्य करके दिखाएंगे, पावनता को तार तार करेंगे, यहां पर मांसाहार जाएगा, सब कुछ जाएगा। पुलिस वाले भी 4-5 खड़े होंगे, पर वो कुछ नहीं करेंगे, एक नहीं दो नहीं। आज जैन यात्री यहां वहां पर मधुबन में शिखर जी में नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है, और वहां पर लाख की संख्या में अब अजय देखिए कैसे जाएंगे। आप सब देखिएगा इसी तरीके से इन पर बैठकर हम किस तरीके से पावनता को तार तार करेंगे, पावन रखेंगे तीर्थ को। दावा तो यह करते हैं, सरकारी आदेश है, दूरियां बना के रखनी है, पर्यटन स्थल बंद है। अरे आपने मंदिर छोड़ दिया, पर्यटन स्थल बना के रख दिया इसको, और देखिए यहां पर जब पर्यटन स्थल पूरे झारखंड में बंद है, यहां पर कैसे लोग आते हैं, कैसी भीड़ आएगी। कोरोना के मास्क किसी पर नहीं मिलेगा आपको, दूरियां तार तार होंगी, जैसे पिछली बार ये हुई थी, कोई कुछ नहीं कर पाया था। इसी तरीके से कहते हैं कोरोना जहां नहीं आना होता वहां तक पहुंच जाता है, और हमारा तीर्थ जो है पावन वो तार तार हो जाता है। बस 48 घंटे रह गए हैं, अभी तक कमेटी की ओर से कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन अभी तक चौकस नहीं हुआ, 4 पुलिस वाले गेट पर मंत्रा मार्ग में खड़े हैं और कुछ नहीं है अभी तक। अरे जो बैरिकेडिंग करते हैं ना, पिछले साल की थी है पहली बार, अभी तक बैरिकेडिंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन से ऊपर पहाड़ पर तेज बारिश हो रही है। चंदा प्रभु टॉप के पास से बल्लियां आती है, यहां तक पहुंचेगी तब जाके बैरिकेडिंग होगी, केवल इसी टॉप की सुरक्षा हो पाती है, बाकी सब टोकों पर कुछ नहीं होता है। जूंदे पहनकर खाते पीते वहां पर मस्ती करी जाती है, मस्तियां उड़ाई जाती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। आखिर हमारा कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर 4 धाम है, और जैनों के पास तो सब तीर्थों का धाम एक ही है, और उसको कहते हैं सबसे बड़े तीर्थ को सबसे तरीके से बेपावन कर दिया जाता है। चैनल महालक्ष्मी ने पिछले एक पखवाड़े में 8 एपिसोड शिखर जी पर बताए हैं। सुविधाएं छोड़िए, दुविधाएं दिखा दी आपके अंदर। और तब जब हमने बताया कि 15 जनवरी को एक साथ 2,00,000 जैन चढ़ेंगे, तो आप लोगों ने देखिए किस तरीके से सहयोग दिया। पहली बार कहते हैं जैन समाज जैसे पूरी तरह जाकर हो गया, अभी कमेटियां उतनी नहीं जागी, अभी हमारे शीर्ष पर नहीं जाके कुछ संतों ने आवाज उठाई, कुछ विद्वान तो अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं, और श्रावक कुछ उठकर आए हैं। 20,000 से ज्यादा ट्वीट होकर पहली बार जैन समाज के तीर्थ के ऊपर इतने ज्यादा ट्वीट हुए कि आज तक ने अपने डिसन में कहा कि एक शिखर जी के ऊपर इस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर पावनता को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से यह ट्वीट करके आप लोगों ने सचमुच एक बड़े वर ने हमारा साथ दिया है, पर इस बार रुकना मत। हम सबसे अनुरोध करते हैं आगे बढ़कर, जब तक हमारे पावनता का फैसला पूरा नहीं होता है तब तक हमें रुकना नहीं होगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा, मांसाहार बनता है, अभक्ष्य बनता है, जूते से रौंद जाता है, सब कुछ होता है, शिखर जी पावन हमसे खतरे में पड़ जाता है। 36 घंटे बाद क्या होगा, चीरहरण होगा हमारी पावनता का, उससे पहले 12 घंटे पहले की बात कर लेते हैं। यानी 12 घंटे बाद आ रही है मकर संक्रांति, वह दिन कहते हैं जब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती ने सूर्य की ओर नमस्कार करते हुए वंदना की थी स्नान के बाद। इसलिए नहीं वह सूर्य देवता को नमस्कार करता है, बल्कि वहां पर के अग्रणी चैतन्यों की वंदना करके जैसे नमस्कार करते हैं, और उसके बाद में सबको लाडू देते हैं। भी नहीं रुकते हम, आज क्या करते हैं, आज हम बाजार में जाते हैं, पतंगे खरीदते हैं और पतंग चढ़ाते हैं आसमान में। अरे अहिंसा के प्रेमी सबसे कहेंगे इस दिन कृपया पतंग मत चढ़ाएं, ये चीनी मांझा जो होता है वो मौत का साया होता है हमारे पक्षियों के ऊपर, हजारों से ज्यादा पक्षी एक दिन के अंदर हमारे मांझों में उलझकर मर जाते हैं। संकल्प कीजिए इस बार हम पावनता बनाए रखेंगे अपने तीर्थ की भी, और अहिंसक रहेंगे मकर संक्रांति पर, कोई मांझा नहीं लेंगे, कोई पतंग नहीं उड़ाएंगे इस पावन तीर्थ पर। आप मिठाई मिष्ठान बांट दीजिएगा बस। सादर जय जिनेंद्र, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय और सुबह भी 8 बजे आपके पास। जय जिनेंद्र।